हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है जानेंगे यूनिवर्स आपके लिए आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको आने वाले 8-9 दिनों के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों के लिए, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। आगे का एक्शन हम कैसे लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत हद तक हमें आइडिया मिल जाता है और किस तरह के चैलेंज हमारी लाइफ में आने वाले हैं इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हमें अवेयरनेस हो जाती है। तो ये रीडिंग बहुत, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है जिसको हमेशा देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आप बिना देर करे और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और ये रीडिंग मैं हर 8-9 दिन के बाद करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। टाइमलेस रीडिंग है गाइज ये, कभी भी आप यहाँ आए आप आराम से देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, तो क्या प्लानिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। विर्गो हर्मिट, टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉन, जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एंड फाइनली अगेन अर्थ साइन है हमारे पास। तो ये आपकी कुछ एनर्जी मैंने पिक की है अभी। देखो स्ट्रगल कहाँ कहाँ हो रहा है। स्ट्रगल आपके इनकम में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब लॉस हो रहा है आपको आपके इनकम में आजकल, और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं आप। ठीक है, और रातों को ठीक से, ये सबके साथ नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ को रात को नींद नहीं आ रही और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो अभी के लिए। तो गाइस क्लियर, इन ये जो कार्ड्स आए हैं ना, इन कार्ड्स का क्लियर मतलब होता है कि राइट नाउ यू आर इन द लोअर फ्रिक्वेंसी जोन। आप लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में हैं राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। तो क्या करोगे आप इस एनर्जी से बाहर आने के लिए? राइट नाउ मैं देख रही हूँ कंफ्यूज्ड हो, रो रहे हो, रोए तो बहुत हो आप कल, दिख रहा है। ये 2 कार्ड्स कल के लिए हैं और ये 3 कार्ड्स आज के लिए हैं। ठीक है, आपकी मैं एनर्जी बता रही हूँ कल और अब तक की। तो कंफ्यूज्ड थे, समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही हैं और ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, अपनी किस्मत को लेकर रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील किया है आपने कल, और आज के दिन मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा फील किया आपने। ठीक है, एक आशा की किरण तो जगी है आपके अंदर, लेकिन फिर भी जैसे आपके लाइफ में डिले हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ रहा है, इस चीज़ को लेके थोड़े से परेशान हो, चीज़ों में उलझे से हुए हो और आपको ना इन सब, इन सारी नेगेटिविटी का, इन सारे डिले का जो असर पड़ रहा है वो मेन पड़ रहा है आपकी इनकम सोर्स पर। तो आपको जो आपकी जो कमाई है उसमें थोड़ा सा कम हो गया है पहले से, जो कि सही नहीं है, बैलेंस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, आपको लो फील हो रहा है, आप लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में आ चुके हैं राइट नाउ। ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छे से हीलिंग नहीं हो पाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा ये बात सुनकर। कभी भी कोई भी आपको अगर बुरा बोलता है, क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि हर किसी को आपकी पर्सनल सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम, आप क्या सफ़र कर रहे हैं, आपकी क्या मुसीबतें हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, किसी को नहीं पता। सामने वाले को तो लग रहा है अरे इससे तो काम होते ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं पाता है या पाती है।
ठीक है, ऐसे सोचते हैं और उनको नहीं पता भाई अंदर ही अंदर वो इंसान क्या फेस कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसको क्या दिक्कतें हैं, किसी को ये बातें तो पता ही नहीं है, बस अपनी जजमेंट देना है हर किसी को, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ब्लेसिंग्स दे देते हैं, कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, कोसते हैं, ठीक है। तो जब हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है गाइस, तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा फील करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, और जब कोई ब्लेसिंग्स दे दे रहा होता है तो चेहरे पे एक स्माइल भी आ जाती है। इट मीन्स ब्लेसिंग्स एक तरीके से पॉजिटिव सोर्स है, गॉट इट? पॉजिटिव सोर्स है ब्लेसिंग्स, चाहे फिर वो भगवान से मिले, चाहे वो किसी इंसान से मिले, अपने माता पिता से मिले, अपने वेल विशर से मिले, ब्लेसिंग्स जब भी मिलती है हम बहुत खुश हो जाते हैं। और जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो हम एकदम लो फील करना शुरू कर देते हैं, जैसे खुशियाँ तो बची नहीं ज़िंदगी में, टेंशन आ जाती है, माथे पे लाइंस बन जाती है, रातों को नींद नहीं आती, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसे क्यों कहा, क्या मुझसे कुछ होता ही नहीं है, क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी, इस तरीके से आपके मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, किसी को तो आपकी सिचुएशन का पता ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कितनी मुसीबतें हैं आपके पास, तो जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे, ठीक है, तो आपको खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, आपको खुद को बोलना है इस इंसान को मेरे बारे में पता ही क्या है जो ये इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, मैं अपने आप को ब्लेसिंग्स दूंगा, ठीक है। आपकी जब जब दूसरों की ब्लेसिंग्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर, ठीक है, तो हमारी खुद की ब्लेसिंग्स कितना ज़्यादा हील करेगी हमें, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरे पास मेरे भगवान का आशीर्वाद है, और आज नहीं कर पाए, थोड़ा सा कमी रह गई, कोई बात नहीं, कल और हार्ड वर्क करेंगे, कल से सारे काम प्रॉपर टाइम से करेंगे, मैं खुद को ये ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरी खुद के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि मैं अपने सारे काम टाइम पे कर सकता हूँ, और मेरे पास भगवान की भी ब्लेसिंग्स हैं। इस तरीके से आपको सोचना है, जब दूसरों की ब्लेसिंग इतना हेल्पफुल होती है तो आपकी खुद की ब्लेसिंग्स भी, जब आप खुद को ब्लेस करेंगे आप और पॉजिटिव फील करेंगे, चाहे सामने वाला आपको बुरा भला बोल रहा हो, सुनना ही नहीं है, जब कोई कुछ बुरा भला बोले, अरे मैं हूँ खुद को ब्लेस करने के लिए, मेरे भगवान हैं, ठीक है, इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें भी खत्म होगी और आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी, जैसे कि अभी ये नेगेटिव जो फील हो रहा है ना आपको, आप इससे बचा पाएंगे। तो अगर आने वाले टाइम में कभी भी यही सेम सिचुएशन आपके साथ हो जाती है तो आपको खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, क्लियर? तो आप इस तरीके से बच जाएंगे, और जो मेन आपके जो इनकम पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्पफुल लगी होगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अपने आप को बचाती हूँ नेगेटिविटी से, और बहुत सारे लोग ऐसा इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर नहीं पता थी ये बात, तो आप लोग आज से इसे फॉलो करना शुरू करें, और आपको सच में आप लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में खुद को भेजने से बचा लेंगे, क्योंकि हमें वहाँ नहीं जाना, अगर हम हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी खुद की अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में बिल्कुल भी रहना नहीं है, ओके। कनेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो अपने कनेक्शन को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो, ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल है गाइज, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में देखते हो कोई ब्लेसिंग्स मांग रहा है तो उसको दे दो, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स भेजना शुरू कर दो कमेंट में, ओके। तो चलिए, इतनी बात हुई आपकी करंट एनर्जी पर, मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, आपको क्या यूनिवर्स के अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है, लेट्स सी, यहां से चेक करेंगे। चलिए अब इन्हें शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स और स्ट्रेटजी, एक्शन, गाइडेंस आएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या पावरफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, हर्मिट अगेन, एंड सन कार्ड, एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
सेवन ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास सेवन ऑफ कप्स तो पहले ही है, पेज ऑफ कप्स, लियो एनर्जी, विर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, लियो एंड विर्गो, ओ वाओ, द फूल एक्वेरियस, ओके, ओ वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड, एक और कार्ड ले लेते हैं, दो कार्ड आ गए एक साथ, कोई बात नहीं, यहाँ से है सिक्स ऑफ व्हील्स, मुझे लगता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है, जस्टिस का कार्ड हमारे पास है, इस कार्ड को मैं यहाँ रख लेती हूँ, आपको दिखाई देगा, ओके, देखो गाइस कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं, देखो यूनिवर्स ने आपके लिए ना, ये जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ चीज़ें अरेंज की है, आप देख रहे हैं, जैसे ये किसान है, ये खेत में कुछ बो रहा है, ओके, ये कुछ बो रहा है और इसको पनपने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर आपको जो ये बोया गया है उसका रिजल्ट, इसका फल आपको मिलेगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आपने नहीं किया है, ये यूनिवर्स ने किया है आपके लिए, लाइक आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आवाज़ पहुंची है यूनिवर्स तक, ठीक है, और यूनिवर्स ने ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए काम करना शुरू ऑलरेडी कर दिया है, कर दिया है आपके लिए काम करना शुरू, और इसमें ना ये दो कार्ड बहुत प्यारे हैं, और वी हैव सन एंड स्टार कार्ड टुगेदर, और देखो जस्टिस का कार्ड है इसके साथ, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस करने वाले हैं, यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा कराने में आपका पूरा पूरा साथ देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भेजेंगे, सन इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, लाइट, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपको मिलेगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होगा कि आप ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये है कि आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग आप बनने वाले हैं, और आपको, आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल लेंगे और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह बिहेव करेंगे, लाइक यू नो एवरीथिंग, यू आर वेरी क्लियर्ड एंड आपको सब कुछ पता है क्या करना है, यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, मतलब आपको ऐसा ही फील होगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से आप सोचेंगे, आपको अपने सपनों पर बिलीव होना शुरू हो जाएगा, आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में अब जो अनदर फेज़ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, एडवेंचरस है, और मुझे बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की आपकी थिंकिंग रहेगी और आपको अपने डिवाइन पर और ज़्यादा ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, आने वाले टाइम में आपके पास विक्ट्री आ रही है, विक्ट्री, आपके पर्सन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है आपके कनेक्शन में भी, तो हो सकता है ये विक्ट्री आपके कनेक्शन में हो, ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस कर दे, लेकिन इन सब, इन सारी चीज़ों से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, अभी इतना जो नेगेटिव फील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत फ्रेश एनर्जी में आने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए, और आपकी लाइफ में ये जो द फूल का कार्ड है ये न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, तो यस, न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आने वाली है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, आप जिस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू, बट जो टेक्निक बताई, जो फॉर्मूला बताया, यू हैव टू फॉलो दिस सो यू विल गेट रिड ऑफ फ्रॉम ऑल योर टेंशन एंड वरीज, ओके, सो जितना हो सके अच्छे से परफॉर्म करो, और कभी भी नेगेटिव फील हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है दूसरों की वजह से भी हमें ऐसा फील हो जाता है जैसे कि आपको हो रहा है, इट्स टोटली ओके, मैंने बता दिया आपको करना क्या है, खुद को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करना है, कम मत समझो भाई किसी के, दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के जजमेंट से अगर आप खुद को परेशान करें तो उसमें गलती तो आपकी है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला कुछ कह रहा है और आप उसे अपने ऊपर ले रहे हो, तो लेना ना लेना ये हमारे ऊपर है, ठीक है, तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो और अपने आप को ब्लेसिंग्स अब देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिविटी होती है ब्लेसिंग्स के अंदर, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आ रही है जो चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो काम इन्होंने किया, जो शुरू किया है ना, ये आपकी हैप्पीनेस के लिए है, कि आपको हैप्पीनेस मिले, आपको विक्ट्री मिले,
और आपके सपने पूरे हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने यूनिवर्स को अपॉइंट कर लिया है और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स अगर आपके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं, इट मीन्स आप बहुत कोई ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आप बहुत यूनिक स्पेशल बन चुके हैं। अपने पूजा पाठ से आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर है, आपका हार्डवर्क देख रहे हैं, डेडिकेशन देख रहे हैं, आपकी लगन देख रहे हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने की अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करेगी। वही कुछ हाल आपके साथ दिख रहा है, आप अपने पर्पस को लेकर इतना ज़्यादा आप में लगन है ना, तो यूनिवर्स अब रेडी हो चुके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।